राम किस जुबान का लफ्ज है, राम के माने क्या है, राम नाम का मतलब क्या है, राम में कितने हरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है, राम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, राम हिंदी में कैसे लिखा जाता है, राम उर्दू में कैसे लिखा जाएगा, राम उर्दू में लिखने का तरीका क्या है। इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राम संस्कृत का लफ्ज़ है, तो राम के माने और राम का नाम का मतलब है परमेश्वर, परवरदिगार, पालने वाला, रब। राम फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, तो राम के माने और राम नाम का मतलब है ताबे, मुती, फरमा बरदार, इताअत करने वाला, हुक्म मानने वाला। राम में तीन हरूफ हैं, रे, अलिफ, मीम। ये इंग्लिश में राम लिखा हुआ है, ये हिंदी में राम लिखा हुआ है। राम उर्दू में लिखने का आजकल दो तरीके हैं, एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ उन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें राम लिखना है तो सबसे पहले रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में मीम को टच करेंगे, तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह राम लिखा हुआ आ जाएगा। राम लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी और इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन तीन बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर एक, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर दो, उर्दू हरूफ लिखने का तरीका। नंबर तीन, उर्दू हरूफ की शक्ल सूरत, फुल लेटर और शॉर्ट लेटर। राम लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर एक, रे। नंबर दो, अलिफ। नंबर तीन, मीम। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं। जैसे रे, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। मीम, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। अच्छा, उर्दू के हरूफ दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, कभी कहीं फुल लेटर इस्तेमाल होगा और कभी कहीं शॉर्ट लेटर इस्तेमाल होता है, लेकिन राम में सारे हरूफ फुल ही इस्तेमाल हुए हैं। जैसे देखिए, ये क्या लिखा, रे, फुल है, और ये क्या लिखा, अलिफ, ये भी फुल है, और ये क्या है, मीम, ये भी फुल ही है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।